अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना असलम। आज हम बना रहे हैं खीर। ये चावल थे आधी प्याली के करीब, मैंने इसको भिगो दिए थे, फिर मैंने इसको ब्लेंडर कर लिए। ये है बादाम, ये है कूटे हुए बादाम, ये है पिसा हुआ खोपरा, और ये है इलायची, ये है कलाकंद, ये है 1 किलो के करीब दूध। इसको हम बॉयल कर लेंगे। अच्छा, जो हम बाहर कलम ये खाते हैं, खीर खाते हैं, उसमें ना कुछ बहुत टेस्टी बनती है, पर घर में बनाते हैं वो जायका नहीं आता है। तो हम इसमें ये कलाकंद डालेंगे, जो उसका सोंदापन होगा, जो खुशबू होगी, जायका होगा, वो इस चीज से ही आएगा। तो ये हम दूध गर्म हो जाए हमारा, हम इसमें इलायची डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये जब बॉयल आएगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखें, दूध गर्म हो गया, बॉयल आने, ये बॉयल आ गया है। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें चावल अपने पीसे ये डालना। ये बहुत मजे की बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, एकदम बाहर जैसा टेस्ट आएगा। जैसे हम जाते हैं बाहर खाते हैं, वैसे ही टेस्ट आएगा इसका इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट से बताइएगा कैसी बनी है आप लोगों को ये। अब ये है रू टेबड़ा, ये हम एक भर के डाल देंगे इसमें खुशबू के लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिस्मिल्लाह, ये इलायची का होता है, ये बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें से ना। ये देखें माशाल्लाह, ये अच्छे से पक रही है। अब हम इसको एकदम स्लो आंच पे पकाएंगे, एकदम धीमे धीमे, ताकि आराम से ये बने। जितनी ये स्लो स्लो आंच पे बनेगी, देर तक बनेगी, उतना इसमें जायका आएगा, उतनी अच्छी बनेगी। तो हम इसकी आंच अभी कम करते हैं। अब ये इसको हम पकाते हैं, अभी अभी हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह, इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी अच्छी गाढ़ी सी हो गई है, ये अच्छी खासी पक गई है। अब हम इसमें जो बादाम है ये डाल देंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ही पक गई है। ये है कलाकंद, ये देखिए, अब ये हम इसमें ऐड डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे। इसी से ही जायका आएगा, जो सोंदापन आता है, जैसे हम बाहर खाते हैं वैसा ही टेस्ट आएगा इसका एकदम। ये आप डालिएगा और बनाइएगा, बहुत मजे की बनती है ये। देखा, अभी गाढ़ी होना भी शुरू हो गई है ना, गाढ़ी हो गई है। इसको पकने देंगे। ये कलाकंद मैंने 4 टीस्पून के करीब डाले होंगे, भर भर के, आप लोग भी इतने डालेगा। बस हमें जायके के लिए चाहिए थोड़ा टेस्ट, ताकि इसका ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमें ज्यादा नहीं डालनी है, बस 4 टीस्पून के करीब ले लें, 4.5 टीस्पून के करीब भर के डाल दें आप, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसका। अब ये घुली नहीं है, अच्छे से घुलेगी और अच्छे से मैच हो रही है। अभी हम इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए ना, बस ये गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ा पक जाएगी, इसका कलर थोड़ा आने लग जाएगा। अब देखें, इसका कलर नहीं आया ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। ये देखें माशाल्लाह, ये रेडी हो गई है, देखें कितनी गाढ़ी हो गई है, वो माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अब एकदम ये रेडी हो गए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये पिसा हुआ नारियल था, मैंने इसमें ग्रीन कलर का कलर थोड़ा सा मिला के इसको कलरफुल कर लिया। अब हम इसका ये खा जाए, अब इसमें ऐसे करके फिर हम इसको डिजाइनिंग कर लेंगे। ऐसे आप लोगों के पास भी होंगे, मिल जाते हैं बने हुए भी। ये देखें माशाल्लाह, इसकी फाइनल लुक देखें, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ये देखें, मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अब आप लोग इसको बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना है। कल मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।